नमस्कार। सो पिछले 7-8 दिन से जब से ये नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे फिर से इंक्वायरीज हमें आ रही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, क्योंकि इस समय आपको पता ही है, राउंड 1 अलॉटमेंट चल रही थी पूरी इंडिया में। तो मैं और मेरी पूरी टीम उसमें बिजी थी। हम स्टूडेंट्स को लास्ट तक गाइड करते हैं, और इंक्वायरीज आ रही थी जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कॉलेजेस, डीम यूनिवर्सिटीज पहुंचे हुए थे, एंड वो हमें फ़ोन कॉल पे लेते हैं फॉर लास्ट मिनट गाइडलाइंस, एनी थिंग विच दे आर फेसिंग प्रॉब्लम देयर। तो समय नहीं था, तो आज समय मिला है। तो पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि ये 3 फरवरी वाला 50% फीस वाला नोटिफिकेशन क्या है और ये हमें कितना इम्पैक्ट करता है और नहीं करता है। सो देखिए, 2019 में शायद इलेक्शन से पहले ही MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, थोड़ा फेमस हो गई थी करप्शन को लेकर। तो बस वो आप दिखावा कह लीजिए, क्या कह लीजिए, उसका उसके बदले एक नई बॉडी बनाई गई, नेशनल मेडिकल कमीशन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन NMC भी उसी बिल्डिंग में बैठती है जहां MCA बैठती है। तो वो कहते हैं ना, सिर्फ नाम चेंज हो गया, शायद सारे अधिकारी भी सेम थे। और उस समय वही एक जो जो ये प्रपोजल देते हैं हिंदुस्तान को, उसमें प्रपोजल दिया गया था कि 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स भी हम अब सस्ते रेट में पढ़ाया करेंगे। तो जब से ये 2-3 दिन पहले खबर आई है, तो 2019 से चला, अब 2022 आ गया है और ये प्रपोजल आ गया, तो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए हैं और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, अगर कुछ होता भी है फिर मैं उसको समझाऊंगा, ये 2021 में जो अभी एडमिशन चल रहे हैं इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो लेट अस बी एब्सोल्युटली क्लियर। और ये अभी तक गाइडलाइंस आई हैं, देखिए NMC की गाइडलाइंस आई हैं, अभी तक ना ये नोटिफाई भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस वगैरह लगेंगी। सो जब भी NMC कुछ नोटिस देता है तो कुछ दिनों बाद फिर वो नोटिफाई भी होता है, अभी गाइडलाइंस आई है। ठीक है, पहली बात तो 2021 के बैच वाले लोग एक्साइटेड होना बंद हो जाए, उनको तो वही फीस देनी है जो उनको फिलहाल पता है। अब कई लोग ना ये सोच रहे हैं, सर 2022 आई गया, 2-3 महीने में नीट हो जाएगा, और वाकई अगर हमें आधी फीस मिलने वाली है तो हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फिर से ब्रॉडली इंडिया में इस समय 90,000 MBBS सीटें हैं। वीडियो के लिए 45,000 फिलहाल ऑफिशियल गवर्नमेंट है, 45,000 सॉरी, और 45,000 मानते हैं प्राइवेट, एक्चुअली इतनी है, 2-400 ऊपर नीचे। अब ये जो 45,000 प्राइवेट होती है, मैं कई बार कह चुका, इसमें 9,000 सीटें निकाल दो जो डीम्ड में आती हैं, और बाकी तकरीबन 36,000 होंगी जो हम स्टेट प्राइवेट बोलेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। करेक्ट। अब इन ये जो पूरी 9,000 सीटें डीम्ड की हैं, इसमें तो कोई रियायत नहीं होती, एवरी सीट इज वेरी एक्सपेंसिव, हम सभी जानते हैं। स्टेट प्राइवेट में ऑलरेडी, चाहे आप वेस्ट बंगाल की बात करें, आप केरला की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, शायद नॉर्थ में रहने वाले बच्चों को नहीं पता होगा कि ऑलरेडी हर प्राइवेट कॉलेज में एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की सीटें होती हैं, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट की सीटें होती हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट फीस में ही पढ़ाई जाती हैं। सो ये जो बाकी 36,000 सीटें बची, इसमें शायद ज़्यादा नहीं तो 15,000 सीटें तो ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट पर ही पढ़ाई जाती हैं, वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान में ये सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। मध्य प्रदेश में तो हमें पता है, वो फेमस मेधावी छात्र योजना है, जिसमें तकरीबन सारे बच्चे ही सारे प्राइवेट कॉलेज में फ्री में पढ़ते हैं। भाई, हर स्टेट में आपको ये कैटेगरी मिलती है। और यही ये मेंशन करना चाह रहे थे, अगर आप ये पैराग्राफ देखोगे ना इसका, तो कोई लोगों को समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट कोटा की सीट क्या होती हैं। सो बेसिकली वो यही था कि ऑलरेडी कई जगहों पे ये जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स ऑलरेडी हैं कई राज्यों में, डिम्ड में नहीं होती हैं, ये पहली बात हो गई। अब आप और गहराई में जाइए, जहाँ पर भी ये सीटें होती हैं, तो ये मैं सोचिए कि अगर आपके 300 350 नंबर थे तो आपको ये सीट मिल जाएगी। देखिए, बड़ा सिंपल लॉजिक है, मैं बार बार कहता हूँ, 8 लाख बच्चों ने नीट क्वालिफाई करा, इंडिया में सीटें 90,000 हैं, फिर भी 150 नंबर वाले को मेडिकल कॉलेज कैसे मिल रहा है? क्योंकि सरकारी सीट कोई नहीं छोड़ता। फिलहाल जो सस्ती सीटें हैं, वही गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट कॉलेजेस, बंगाल में, कर्नाटका में, केरला में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, वो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन इनके अलावा अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपके 590 नंबर आते हैं, आपको हरियाणा का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप ड्रॉप करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 75 लाख 60 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते। वो छोड़िए, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके फ़ोन आए 590 नंबर में, अगर जाए तो छत्तीसगढ़, कर्नाटका कन्फर्म है, केरला कन्फर्म है, कहते केरला में क्या खर्चा होगा? मैं कहिए, नाना करके भी 45 लाख तो होगा ना, 7 लाख फीस प्लस हॉस्टल में 4.5 साल, केरला एक्चुअली 5 साल लेता है, तो 50 लाख।
और फिर वो फोन करके बोलते हैं सर हम तो महीने के 25,000 कमाने वाले लोग हैं, हमें तो प्योर गवर्नमेंट ही चाहिए, वो भी हम लोन लेके या सब्सिडी या सरकारी कोई उससे लेके पढ़ेंगे, बच्चा दोबारा ड्रॉप करेगा। तो इस रूल का फायदा ये होगा कि वो जो 598 नंबर वाला हरियाणा का बच्चा था या दिल्ली का बच्चा 611, खैर दिल्ली में तो कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं, एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है, या यूपी का बच्चा, अगर यूपी की कट ऑफ 605 जाएगी तो 602 नंबर वाला बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था उसको वो सीट मिल जाएगी, आधी सीटें। क्योंकि जब ये आधे प्राइवेट कॉलेज की सीटों की फीस सरकारी बन जाएगी तो वो बच्चे जो 580 590 की रेंज में थे वो उन सीटों में चले जाएंगे ना, आपके लिए थोड़ी ना सीट छोड़ी जाएगी 400 नंबर वालों के लिए, बल्कि 400 नंबर वालों के लिए 500 नंबर वालों के लिए डबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जी, तेल तो तिलों में से निकलता है। अब अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को ये सब्सिडी देनी पड़ गई तो वो अपनी बाकी फीस महंगी कर देगा। देखिए, इस साल अगर यूपी सस्ता था और उसने 65 लाख के पैकेज में पढ़ा दिया है, उसका कारण ये है ना कि सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही है। जिस दिन उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी वो सीधा बोलेगा या तो सरकार मुझे पैसे दे या जो बाकी सीटें होंगी उनकी मैं फीस डबल कर दूंगा, राइट। तो इन एनी केस जिसे कहते हैं ना हम मरेंगे, और फिर वो तीसरी सीटें निकल के आ जाएंगी जो मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, जो कर्नाटका में भी है, जहां पर हम 25-25 लाख रुपए 30-30 लाख रुपए साल की फीस देते हैं। सो देखिए इस पूरे उसमें, और वे अगले जो 5 पेज हैं वो तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने बताया है कि प्राइवेट कॉलेज किस तरह से फीस ले सकता है। तो जो उस एनएमसी जो 2019 में आया था, एक तो 50% आप समझ गए, तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होगा बिल्कुल अगर ये लागू होता है तो समझ लीजिए जो उस स्टेट के बच्चे जो सरकारी कॉलेज को 15 नंबर से मिस कर रहे थे, 10 नंबर से मिस कर रहे थे, मोटा मोटी बोलूं हरियाणा में 5 सरकारी कॉलेज 1,000 सीटें, 5 प्राइवेट कॉलेज 800 सीटें मोटा मोटी मानते हैं। ऐसे यूपी में है 30 प्राइवेट कॉलेजेस 4,000 सीटें, 27 के करीब सरकारी कॉलेज 3,500 सीटें। तो ये जो 4,000 में से सस्ती 2,000 प्राइवेट कॉलेज की सीट्स होंगी, हरियाणा की 800 में से 400, ये इतने सरकारी सीटें बन जाएंगी। तो जो आज सरकारी कट ऑफ 605 है वो गिर के 590 592 जो भी अगले 2,000 बच्चे हैं, या 580 भी हो सकता है, मैं आपको एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ। लेकिन वो जो 300 नंबर की रेंज वाले, 200 नंबर की रेंज वाले, 400 नंबर की रेंज वाले, उनकी मुसीबतें घटने के बदले बढ़ जाएंगी अगर ये रूल लागू होता है तो। और एजुकेशन इतनी महंगी है कि आई एम श्योर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाई जाएगी। कॉलेज तो पूछेगा ना कि भाई या तो आप हमें दे दो वो फीस, और अगर बच्चों ने वो फीस नहीं दी, वैसे इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का इशू है नहीं, जब इतनी महंगी डीएमई की सारी सीटें भरी जाती हैं तो मान के चलिए यूपी का शारदा 12 के बदले 24 लाख का हो जाएगा बाकी बच्चों के लिए। तो जो स्टूडेंट इस समय डीम्ड में जाके पढ़ाई करी रहे कर्नाटका में, फिर वो शारदा में 24 लाख देके पढ़ेंगे, और जो बेंगलोर जा रहे थे वो यहाँ, और शारदा में भी एडमिशन फिर 250 नंबर में मिल जाएगा जो इस साल डीम्ड में मिल रहा है, तो ये फर्क होगा। तो बल्कि ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी 400-450 नंबर वाले, मतलब अपर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास तो बोलते ही नहीं इंडिया में, जो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की सीट लेने का दम रखता है वो मेरी नज़रों में मिडिल क्लास तो हो ही नहीं सकता, ही हैज़ टू बी रिच, राइट। तो अपर मिडिल क्लास लोग जो फिलहाल 70-75 लाख का पैकेज अफोर्ड कर लेते हैं या खींच के अफोर्ड कर लेते हैं, फिर उन सबको 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज लेना पड़ेगा। तो फिर यही होगा कि जो 200-250 नंबर के अमीर लोग हैं, जेनुअनली अमीर, वो सीट ले लेंगे, और 450 नंबर का मिडिल क्लास का बंदा, अपर मिडिल क्लास का बंदा भी रह जाएगा। तो ये है इस पूरे नोटिफिकेशन का निष्कर्ष। बाकी जो 4 पेज हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने डिटेल में लिख दिया है एनएमसी ने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये इंटरेस्ट कॉस्ट लेना ये मत लेना, हॉस्पिटल की कॉस्ट लेना मत लेना, जो हॉस्पिटल बैकवर्ड एरियाज में हैं हटके हैं, कॉलेज जब चलेगा तो कैसे एक्सपेंसेस लेगा, वो सब डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट को जानने की खास ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेजों के लिए है। लेकिन मैं सबका बताऊं, कोई फीस कम नहीं होने वाली जो बाकी फीस होगी, क्योंकि सब कॉलेजेस सब हॉस्पिटल्स मैनेज कर लेंगे इन सब एक्सपेंसिस को, इन सब खर्चों को। अल्टीमेटली कॉलेज उतनी फीस लेगा जितना उसको मालूम है कि बच्चे देने को तैयार हैं, पहली बात तो है ये, और दूसरी बात मैंने आपको समझाई दिया आधी आधी वाली, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है इसकी। आपका दिन शुभ हो, कुछ खास नहीं होने वाला, नमस्कार। और